समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अंतिम 4 दिनों की रणनीति सूचना सहायक टाइपिंग इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट टाइपिंग के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी अंतिम 7 दिनों की रणनीति के बारे में, जब एडमिट कार्ड आया था। कीबोर्ड की डिटेल हर चीज मैं आपको बताऊंगा। 10 से 15 मिनट का आपका वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी डाउट आने पर आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक बात है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो देखो कल रिलीज किया गया था 21 तारीख को यूट्यूब पे, जब एडमिट कार्ड जारी हुए थे। इसमें मैंने 7 दिन की रणनीति बताई थी, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं कीबोर्ड कौन कौन से मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक मेरी नज़र में सेंटर आए हैं, वो आपके सेंटर आए आर्या कॉलेज SP42। तो आर्या कॉलेज SP42 में जो कीबोर्ड है, एक तो इस टाइप का कीबोर्ड और एक फ्लैट कीज का कीबोर्ड है। फ्लैट कीज का कीबोर्ड जो है, इसका जो मॉडल नंबर की बात करें तो वो है डेल KB216। यदि हम इस वाले मॉडल की बात करें तो ये जो मॉडल है, इसके जो मॉडल है, ये कीबोर्ड के जो मॉडल वो है Acer SK2086। यदि Acer का आपके पास है तो, डेल का है तो डेल में आता है डेल KB216 212। एक आता है HP में, एक आता है Logitech का, इनका मॉडल नंबर मुझे पता नहीं है। ठीक बात है, तो ये बेसिकली खूब तरह के आपको कीबोर्ड मिल सकते हैं और कुछ लेब्स में ये वाले कीबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के बात करें दोनों टाइप के कीबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो कीबोर्ड है ये है हार्ड की, ठीक है, क्योंकि ये पुराने जमाने के, थोड़ा सा पुराने टाइम में, आजकल मिलेंगे नहीं आपको अवेलेबल, तो ये हार्ड कीज है, तो इनको आपको थोड़ा उठा उठा के आपको टाइप करना होगा तो आपकी स्पीड आएगी, वरना नहीं आएगी। ये वाले क्या है, अभी वर्तमान में प्रचलित है, आपको हर दुकान पर ये अवेलेबल हो जाते हैं, डेल के भी 216, तो ये थोड़े कम है वहां पर, ज्यादातर आपको इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एसर का हो सकता है, डेल का हो सकता है, HP का हो सकता है, लोजिटेक का हो सकता है। अब बात करें दोनों में डिफरेंसेस, तो एक ही बात है बच्चों, आप एग्जाम देने से पहले दोनों पे एक बार हाथ फिरा ले अपना, ज्यादा बेटर रहेगा। जिसके पास डेल के भी 216 है, वो इनमें किसी एक पे प्रैक्टिस कर जाना, और किसी के पास यदि ये चारों में से है तो डेल के भी 216 पे एक दो बार प्रैक्टिस कर जाना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक बात है, अब हम बात करते हैं काम की चीज की, इसके लिए सेशन है, क्योंकि बाकी सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो अभी रिसेंट वीडियो पर जो डाला, उसमें एक दो कमेंट थे जो मुझे याद है। किसी ने लिखा मुझे कि वर्षों कैसे टाइप करना है, तो इसमें क्या दिक्कत आई भाई तुम्हें टाइप करने में? एक दो कमेंट के मैं रिप्लाई दे दूँ यहाँ पे। वह टाइप करना है, आधा शय करना है, पूरा शय बना लोगे, ठीक है, फिर अ की मात्रा, फिर इसे बनाओगे ऊपर र की मात्रा, और यहाँ पे अनुस्वार लगा दोगे, ये बन गया आपका वर्षों। ठीक बात है, इजी था ये, आपका डाउट आना नहीं चाहिए था। ठीक बात है, चलिए अब बात करते हैं हम। सबसे पहले कुछ महानुभाव ये भी पूछ रहे हैं मेरे से टाइमिंग क्या है। टाइमिंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो वापस से बताता हूँ, 27 से 29 अगस्त आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक बात है, 2 शिफ्ट हैं। शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो ये जो होगी वो होगी 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, 10 AM से 12 PM तक। और जो सेकंड शिफ्ट होगी वो होगी आपकी 3 PM से 5 PM तक, ठीक है। गेट क्लोजिंग टाइम, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, गेट क्लोजिंग टाइम इस शिफ्ट में हो जाएगा 9 बजे, मतलब आपको 8 बजे पहुंच जाना है। यहाँ की गेट क्लोजिंग टाइम की बात करें तो 2 बजे है, इसका मतलब 1 बजे आपको यहाँ पर पहुंच जाना है। क्या क्या लेके जाना है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ, 1 मिनट का समय लेके, ई एडमिट कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, कौन सी, 1 महीने के अंदर वाली, 1 महीने के अंदर की, ठीक बात है। एक आपको क्या लेके जाना है, ब्लू पेन, जो
जो कि कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। और एक आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। और आधार कार्ड के साथ में एक और चीज क्या लेके जाएं जो मैंने आपको बोली थी, दो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, ठीक है। एडमिट कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, ब्लू पेन, ट्रांसपेरेंट हो, और आधार कार्ड के साथ आप लेके जाना पेन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ठीक है, या डीएल, इन चारों में से कोई एक ले जाना। साथ में आधार कार्ड तो मैंडेटरी, आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक बात है। तो ये आपके डाउट कंप्लीट हो गए। अब मेरी बात आप सुनते चलिए, आपको जो समस्या है उन सब का निजात ये वीडियो आपको दिला देगा, बशर्ते आपको समझना अच्छे से। बात करें ओल्ड कीज की, सर पहली बात, ओल्ड कीज को स्किप करें या ना करें, देखो ये आपकी चॉइस है। स्किप करना या नहीं करना आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जो आप प्रैक्टिस अभी क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आया कार्यक्रमानुसार ठीक है, अब ये कितना, एक ही वर्ड है पूरा का पूरा, लेकिन कितना बड़ा हो गया। इसमें ओल्ड कीज एक ही जगह काम आएगी, वो जब आप ये लिखोगे, और क्या आएगी इसमें, ओल्ट 0216, सही बात है। लेकिन मान लो अब एक मैं सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, माँ सबसे बड़ी जननी होती है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, अब किसी को इसमें डाउट है चंद्रबिंदु बनाने में, तो वो उसे स्किप भी कर सकता है या छोड़ भी सकता है, केवल यही तो ओल्ड कीज काम आ रही है, बाकी कहीं भी ओल्ड कीज काम में नहीं आएगी। तो यदि आप इसे नहीं लिखते हैं माँ वर्ड को, तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये, 20 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी है, 20 वर्ड पर मिनट कितने, 15 मिनट के अंदर। इसका मतलब आपको सीधी सी कैलकुलेशन ये लेनी है कि 300 वर्ड्स आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, बस खेल खत्म। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, बशर्ते कि आपने क्या पढ़ा है, किस तरह से प्रैक्टिस की है वो आपको पता है। अब मुझे नहीं पता 4 दिन में कि आपने कैसे प्रैक्टिस की, तो आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, सबसे बड़ी जननी होती ये भी लिख दोगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ड तो आपके सही हो गए ना। ये है वर्ड है, ये भी एक ही वर्ड माना जाएगा, और ये कार्यक्रम अनुसार जो था इतना बड़ा, ये भी पूरा एक ही वर्ड था। अब आपकी चॉइस है आप कैसे करते हो, आपने क्या प्रैक्टिस अभी तक अपना रखी है, ये सब भी तो डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको कैसे क्या करना है, क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है, ये आपका मसला है, ठीक बात है। अब मैं आपको सजेस्ट इसके बारे में ज्यादा नहीं करूंगा। फिर आते हैं हम बात कि सर मान लीजिए ये लिखा हुआ था, माँ सबसे बड़ी जननी होती है। अब मान लीजिए मुझे माँ नहीं लिखना, तो मैं क्या लिखूं, या माँ बीच में होता, सबसे बड़ी जननी माँ होती है, ऐसा होता, चलो सबसे बड़ी जननी, ये ऐसा होता मान के चलिए अभी ऐसा। और मुझे मान लीजिए ये वर्ड जो है वो नहीं लिखना, तो क्या करता मैं, ये लिखता पहले तो सबसे बड़ी जननी। अब माँ मुझे नहीं लिखना, तो माँ की जगह मैं क्या करता, कोई सा भी एक की प्रेस कर देता, कोई भी एक की प्रेस कर दू, कुछ भी, और फिर होती है। अगर आप डायरेक्टली स्किप करोगे तो हम हो सकता है कहीं चांस दे रहे हो RSMSSB को, गलत तरीके से मार्किंग हो जाए, तो उसके लिए क्या करा हमने, माँ की जगह कुछ भी हमने लिख दिया, कुछ भी रैंडम एक की दबा दी हमने। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई वर्ड स्किप करना है तो उसकी जगह पर आप क्या करना, कोई भी एक की दबा देना, जिससे वो वहीं के वहीं सेटल हो जाए मामला, ठीक बात है। ये कर सकते हो आप, मुझे लगता है ज्यादा बेटर तरीका है। या जैसे आपको मान लीजिए कार्यक्रमानुसार लिखना था, या कोई बोले मैं तो सब लिख रहा हूँ, अब मान लो सबसे बड़ी जननी माँ होती है, आप यहाँ पे पहुंचे, ज न या जप नहीं कर दिया आपने, ठीक है,
या पहला वर्ड ही आपने ज की जगह प दबा दिया, न की जगह आपने ल दबा दिया, अब बेक स्पेस आपका मान लीजिए आप दबाना नहीं चाहते, तो आप फिर आगे बढ़ जाइए क्योंकि गलती हो चुकी है, वो वर्ड पूरा ही गलत है, तो आप उसको आगे क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रही? तो ये दो बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन अब बात करते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ानी है। ये जो 4 दिन का समय है, इसमें आप क्या किया जाए ऐसा कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, या जिन जिनके जो जो डाउट आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। उससे पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट ओल्ट कीज के बारे में और ले लेता हूँ। देखो, एक है Alt 0 216, इससे बनता है क्र, पूरा क्र एक साथ आएगा। एक आता है Alt 0 170, इससे बनता है ट के नीचे र वाला। इसका मतलब पहले आपको ट दबाना पड़ेगा, उसके बाद Alt 0 170 दबाओगे तो उससे क्या बनेगा, ये र बनेगा। ठीक बात है? तो ट दबाने, ट लिखने के बाद आपको Alt 0 170 दबाना है जिससे र बनेगा, जबकि यहाँ पर पूरे क्र एक साथ Alt 0 216 से आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें Alt 0 188, तो इससे ब्रैकेट ओपन हो जाता है। Alt 0 189 से ये क्या होता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक बात है? फिर हम बात करें Alt 0 222 से, ये डबल इनवाइटेड कोमा चालू। फिर हम बात करें Alt 0 223 से, ये डबल इनवाइटेड कोमा क्लोज हो जाएंगे। ठीक बात है? उसके बाद हमारा कौन सा बचा, देखो एक आता है Alt+0 217, इससे क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक बात है? एक आता है अपना Alt+0 228, इससे क्या बनता है, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है? तो ये हम देख चुके, यही ओल्ड कीज आपको याद रखनी है। एक दो आप चाहो तो वो पे एक्स्ट्रा कर लेना, मेरा सजेशन ये इतनी आपको सफिशियंट है। अब बात करते हैं हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, या लास्ट में जो 20 के आसपास हैं, जो 20 वर्ड्स पर मिनट के आसपास के बच्चे हैं वो कैसे करें। एक बात मैं बता दूं आपको, मेरा खुद का पेपर है 27 का, यही आई है फर्स्ट शिफ्ट में, मैं आपको अच्छे से पूरा रिव्यू दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? 27 को ही आपको पूरा रिव्यू अच्छे तरीके से दूंगा, क्योंकि खुद मैं एग्जाम उसको दूंगा, तो ये सब्सक्राइब कर ले, करने की जिम्मेदारी आपके। LDC वाले बच्चे, इनका हम अगस्त के बाद सितंबर से पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर देंगे, टाइपिंग का प्लस एफिशिएंसी का, ये सब मेरी जिम्मेदारी। चलो वापस आते हैं। 20 वर्ड्स पर मिनट जिनकी स्पीड है, इसके आसपास जो भी हैं उनको क्या करना है, देखो 23 और 24 अगस्त का प्लान सुन लो एक बार ध्यान से। सोनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, कि आपके पास सोनी का सॉफ्टवेयर होगा मैं मान के चल रहा हूँ, तो क्या करना है आपको, उसमें वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की फुल एक्सरसाइज जितनी भी है, 2 टाइम्स लगानी है। ये हिंदी में भी लगानी है और इंग्लिश में भी लगानी है। 23 24 अगस्त दोनों दिन ये काम करना है। स्टार्टिंग करनी है वर्ड्स की फुल एक्सरसाइज 2 टाइम, मतलब अगर 31 एक्सरसाइज है तो 31 एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद वापस से 31 एक्सरसाइज लगाई तो 2 टाइम हो गए, 2 लूप हो गए। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, 8 8 मिनट के इंटरवल पैराग्राफ लगाने हैं, कितने, 10। फिर आपको लगाने हैं 15 मिनट के पैराग्राफ, कितने लगाने, कम से कम 5, ज्यादा आपकी इच्छा, आपका टाइम और वो सब देख लीजिएगा, कम से कम 5। ये 23 24 अगस्त की बात हुई। फिर 25 अगस्त, 25 अगस्त से आपको क्या करना है, ओनली 15 15 मिनट के सिंपल पैराग्राफ लगाने। ये ध्यान देना, वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ, यहाँ भी मैं ऐड करूंगा इसको सिंपल को। ठीक है? देखो बच्चों, सिंपल पैराग्राफ क्यों बोल रहा हूँ,
अब आप कितना ही कर लो, वहां पे जो मिलना है वही मिलेगा। यहाँ कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली ये स्किल का खेल है। आप किसी मजदूर को भी टाइपिंग सिखाओगे तो हो सकता है वो 15 दिन में आपसे ज्यादा सीख जाए, जिसको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, बस अक्षर ज्ञान है। ठीक है, तो स्किल है। बच्चे 10 10 दिन में 20 की स्पीड ले आते हैं, कई बच्चे 3 महीनों में नहीं ला पाए। ठीक है, तो वो अब भी नहीं आएगी, लेकिन आप सिंपल पैराग्राफ करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। हाई नोट पे आप जाओगे तो चीजें अच्छी होगी, वरना पहले आप डीमोरलाइज हो जाओगे तो चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। ठीक बात है, तो ये आपको करना है। जिनकी स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट के आसपास, जो 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर है, इसका मतलब ये 20 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट से कम की स्पीड वाले बच्चों के लिए बात बोली गई है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट उन बच्चों की बात करें जो 25 से ऊपर का मादा रखते हैं, जिनकी घर पे 25+ की स्पीड आ रही है। ठीक है, 25+ वर्ड पर मिनट वाले बच्चे, इनको क्या करना है देखो, 23-24 अगस्त इनको करने हैं डायरेक्ट पैराग्राफ। वर्ड की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, 8-8 मिनट के 10 पैराग्राफ। ठीक है, और आपको फिर लगाने हैं 15-15 मिनट की कम से कम 5 पैराग्राफ। उसके बाद 25 अगस्त से तो आपको सबको, चाहे कितनी भी स्पीड हो, क्या करना है, 15-15 मिनट के पैराग्राफ ही लगाने हैं। ठीक है, ये तो मेरा सिस्टम है कि ऐसा आप करेंगे तो अच्छा होगा, ये मुझे लगता है। बाकी किसी की क्या तरीके हो सकते हैं वो सब अपने अपने तरीके, लेकिन आप ऐसा करोगे तो मुझे लगता है फायदे में रहोगे, गारंटी है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक 8112221369 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको सही टाइम पे सही रिप्लाई देने की। ठीक बात है, बाकी मेरा 27 को खुद का एग्जाम है, तो आपको रिव्यू 27 को मिल जाएगा। जिन बच्चों को 28-29 को एग्जाम है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैंने जो बात बताई आपको, वर्ड लेंथ कितनी आएगी, कितना ऑटो स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मैनुअल करना पड़ेगा, तो देखो ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैनुअल स्क्रोल ही करना पड़ेगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। ठीक बात है, उसके बाद लगभग 700 वर्ड लेंथ के आसपास शब्द आपके आने की संभावना है, हमें केवल और केवल 300 सही करने हैं। तो चूज वाइजली, ठीक है, बुद्धिमत्ता का परीक्षण देना है। जो 6-7 फॉन्ट जिसमें दबे, 6-7 कीज काम आए, उनको हम छोड़ सकते हैं यदि टफ है तो, नॉर्मल है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, गर्दा उड़ाते हुए चलना। तो ये था अपडेट मेरी तरफ से कि आप अंतिम 4 दिनों में ऐसा कर